तो साथियों, जिस प्रकार ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी होती है, हंसी मजाक, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना ज़रूरी है, उसी प्रकार आराधना भी ज़रूरी है। आराधना अपने प्रभु की, अपने ईष्ट की, या वो जिसे आप मानते हैं, तो ये वही आराधना हो रही है। यहाँ पे एक भागवत हो रही है। भागवत एक ऐसी कथा जिसमें श्री कृष्ण का चरित्र का वर्णन किया गया है, और भागवत में श्री कृष्ण के बारे में ही बताया गया है, उनकी यात्राओं का, उनकी कहानियों का, उनके जो जो उन्होंने अपने जो कर्म किए हैं उसके बारे में दर्शाया गया है। और ऐसा ही एक कथा यहाँ पे हो रही है, वही मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लाया हूँ। साथियों, यहाँ पे भागवत चल रही है और ये भागवत हो रही है, और ये देखिए भागवत सुनने के लिए लोग बहुत आए हुए हैं, क्योंकि ये भी हकीकत है कि भागवत सुनने के बाद आदमी को अपने कर्तव्यों का कुछ देर के लिए तो बोध हो जाता है, और उसे समझ में आने लगता है कि मैं सही या गलत क्या कर रहा हूँ। तो भागवत सुनते रहना भी बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये भी सब भागवत श्रवण कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं जो यहाँ पे भागवत सुन रहे हैं। भाई, मुझे भी कृष्ण के रंग में रंग दिया है, और सभी कृष्ण के रंग में रंगे हुए यहाँ पे। मुझे भी अच्छा लग रहा है कृष्ण के रंग में रंगे होते हुए, अपने आप को रंगते हुए देखते हुए भी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये देखिए, वहां से सबको एड्रेस कर रहे हैं, कृष्ण कथाएं सुनाई जा रही हैं, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ, लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। ये देखिए, सभी का ध्यान महाराज की तरफ है और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से सुन। राधे राधे का पट्टा भी मुझे पहना दिया, मुझे पूरा मुझे कृष्ण रंग में रंग दिया है। ये साथियों श्री कृष्ण का रुक्मणी से विवाह दिखा रहे हैं, और ये देखिए इस भागवत में अब श्री कृष्ण का और रुक्मणी का जो विवाह होता है वो प्ले किया जाएगा। भागवत में ये दिखाने का उद्देश्य ये है कि इसमें रुचि बनी रहे, देखने वालों की रुचि बनी रहे, इसलिए ये दिखाई गई है। साथियों, यहाँ पे श्री कृष्ण और रुक्मणी जी का विवाह दर्शाया जा रहा है, उसी को नाट्य रूपांतरण में खेला जा रहा है। तो आप भी इस विवाह का जो इसमें हो रहा है कार्यक्रम, उसका आनंद लीजिए। सभी बहुत आराम से बैठे हुए हैं, सभी देखने के चक्कर में हैं कि कृष्ण जी और रुक्मणी जी का विवाह का आनंद सभी लेना चाह रहे हैं। ओम सो दुख भय रोग निवारण तम्मह श्री भगवान नारायणाय रुक्मिणी नाथाय पूजनार्थ कन्यादानार्थ संकल्प कुर्यात श्री हरये नमः। थाली में छोड़ दीजिए, पैसे थाली में छोड़ दीजिए, सारे पीछे जाओ बेटा। ये कन्यादान के रूप में इन्होंने जो भी कन्यादान कर सकते थे वो कन्यादान किया है। सभी यहाँ पे कन्यादान कर रहे हैं, उसी का पुण्य कमा रहे हैं। तो साथ ही ये जो यहाँ पे भागवत हो रही है, यहाँ पे इसको कराने में हमारे विनोद भाई का भी बहुत बड़ा सहयोग है। तो बहुत
जैसा कि साथियों श्री कृष्ण जी ने भी बताया कि परमात्मा को प्रेम के द्वारा भी पाया जा सकता है, बस उसी राह पे चलते हुए लोग उनके गीतों पे थिरकते हैं, अपने आप को परमात्मा के हवाले कर देते हैं और उसी की शुद्ध बुद्ध में खो जाते हैं। भाई यहाँ पे सभी कन्यादान कर रहे हैं और कन्यादान का आनंद ले रहे हैं, तो ये देखिए बहुत रश है यहाँ पे कन्यादान वालों का भी।
भाई सभी कृष्णा के रंग में रंग गए हैं। यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कृष्णा के, कृष्णा सबको अपने रंग में रंग लेते हैं। कभी यहाँ पे बैठ के देखो भागवत में, कृष्णा से बचना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कृष्णा के गाने, कृष्णा की भक्ति अपने आप में सबको समा लेती है।